अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज हम शुरू करेंगे 9th क्लास का सेकंड यूनिट, दैट इज़ काइनेमैटिक्स। आज के लेक्चर में बच्चों हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो होंगे काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन, रेस्ट, मोशन, सराउंडिंग्स और इनकी एग्जांपल्स। तो जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, नया चैप्टर है दैट इज़ काइनेमैटिक्स। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ काइनेमैटिक्स। लास्ट यूनिट यानी कि पहले यूनिट में हमने मैकेनिक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच पढ़ी थी। मैकेनिक्स क्या थी? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स इफेक्ट्स, इट्स काजेज, ये सारी चीज़ें जो थी वो मैकेनिक्स के अंदर थी। अब मैकेनिक्स की दो बड़ी फर्दर ब्रांचेस हैं जिनमें से पहली है काइनेमैटिक्स जो कि यूनिट नंबर 2 है, और दूसरी ब्रांच मैकेनिक्स की वो है डायनेमिक्स जो कि इसी बुक का 3rd चैप्टर है। तो काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन, विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चीज़ों की मोशन को देखना, बॉडीज़ जो मोशन कर रही हैं उन्हें देखना, गाड़ियाँ, परिंदे, जानवर, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, ज़मीन, ये प्लैनेट्स जो मोशन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स उनको देखना, विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन, ये डिस्कस किए बगैर के मोशन क्यों रूनुमा हो रही है, कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, कितनी हो रही है, ये सारे का सारा डिस्कस ना करना और सिर्फ मोशन को स्टडी करना, दैट इज़ काइनेमैटिक्स। ये है काइनेमैटिक्स। काजेस को स्टडी नहीं करेंगे, मोशन क्यों रूनुमा हुई, मोशन कैसे हुई, किसने करवाई, कितनी फोर्स से हुई, ये हम स्टडी नहीं करेंगे, जस्ट मोशन पे फोकस करेंगे। मोशन हो रही है, मोशन उस ऑब्जेक्ट में है या नहीं है, ये स्टडी करना काइनेमैटिक्स है। अब बच्चों सबसे मेन टॉपिक जो है, जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज़ रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन का टॉपिक बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन ये लेक्चर देखिए आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस टॉपिक की। बच्चों रेस्ट एंड मोशन को समझने के लिए आपको सराउंडिंग का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस के अंदर लफ्ज़ सराउंडिंग का आएगा। व्हाट डज सराउंडिंग मीन्स? सराउंडिंग्स किसे कहते हैं? सराउंडिंग्स आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। मेरी सराउंडिंग क्या है? मेरे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ चेयर पड़ी है, ये वाइट बोर्ड है, यहाँ दीवारें हैं, यहाँ लाइटें हैं, सामने कैमरा है, ये मेरा माइक है, ये बुक्स हैं, ये सारी की सारी मेरे लिए सराउंडिंग्स हैं। वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन द नेबरहुड, मेरे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मुझे देख रही हैं, जिनका मेरे साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, वो सारी की सारी चीज़ें मेरा क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग कहलाएंगी। सराउंडिंग कहलाएंगी जो मेरे इर्द गिर्द पड़ी हैं, मेरे हमसायगी में हैं, मेरे करीब करीब हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं? नेबरहुड हैं। अब आइए डेफिनेशन ऑफ रेस्ट देखते हैं। इस वीडियो को देखिए, एक बंदा है जो ट्रेन के अंदर बैठा है। अब वो ट्रेन के अंदर बैठा, अगर आप इसको पहली साइट में देखें तो आपको नज़र आएगा कि अपनी टेबल, अपने चेयर, अपनी विंडो, अपने सारे इस कमरे के मुताबिक हमें अपनी जगह चेंज करता दिखाई नहीं दे रहा, अपनी जगह पे सुकून से बैठा है, अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, तो हम देखते ही कहेंगे ये अपने टेबल, चेयर, अपनी सराउंडिंग्स के एतबार से जगह तब्दील नहीं कर रहा, तो ये रेस्ट की हालत में है, ये हरकत नहीं कर रहा, एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जा रहा, ना टेबल के साथ इसकी जगह चेंज हो रही है, ना चेयर के साथ, ना सोफ़ा के साथ अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, जहाँ था 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद वहीं है, तो इट मीन्स इट इज़ एट रेस्ट। सो अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अब इसकी सराउंडिंग्स क्या हैं? सोफ़ा इसकी सराउंडिंग है, सामने पड़ा कुशन इसकी सराउंडिंग है, इसी तरह से कोई और चीज़ जो सराउंडिंग है, ये जितनी चीज़ें सराउंडिंग्स हैं, क्या उन सराउंडिंग्स के एतबार से इसने अपनी जगह चेंज की? नहीं चेंज की, सराउंडिंग्स वहीं की वहीं, ये वहीं का वहीं, अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, तो ये रेस्ट में होगा। इसी तरह से एक और वीडियो देखिए, यहाँ एक बंदा और एक खातून आमने सामने ट्रेन के अंदर बैठे हैं,
ट्रेन के अंदर बैठे 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, दोनों उसी जगह पे बैठे हैं, तो वो कहेंगे कि हम तो अपनी जगह चेंज ही नहीं कर रहे, आमने सामने बैठे हैं, जहाँ शुरू में थे बाद में भी वही हैं, उन्होंने ज़रा बराबर भी अपनी जगह तब्दील नहीं की। सराउंडिंग के एतबार से, जिन सीटों पर बैठे थे उनके एतबार से, दूसरे पैसेंजर्स के एतबार से, सारे देखते हुए कहेंगे कि ये तो रेस की हालत में है, क्योंकि वो सारे इसके सराउंडिंग्स से देख के कहेंगे कि इन दोनों ने अपनी जगह तब्दील नहीं की तो ये किस हालत में है, रेस की हालत में है। लेकिन अगर हम बाहर देखें तो प्लेटफॉर्म पे एक बंदा खड़ा है, स्टेशन पे एक बंदा खड़ा है जिसके पास ये ट्रेन गुजर के गई है। ट्रेन जब गुजर के जाएगी वो क्या देखेगा कि जब ट्रेन गुजर गई है उसी के साथ वो बैठे एक बंदा और जो खतून आमने सामने बैठी थी वो ट्रेन के साथ ही जा रही हैं, तो उसके जहन में ख्याल आएगा कि जब ट्रेन मूव की है तो वो दोनों भी मूव करते हुए गए हैं। इसका मतलब वो अब इनके लिए सराउंडिंग है, वो जो अंदर बंदा बैठा है और खतून बैठी है उसके लिए अब सराउंडिंग क्या है, वो है। उस सराउंडिंग ने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों तो अपनी हालत चेंज कर रहे हैं, अपनी पोजिशन चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये रेस्ट में नहीं है। देखिए अब इसका मतलब है आप इस वक्त रेस्ट में भी हैं और नहीं भी हैं। आप एब्सोल्युटली कभी भी नहीं कह सकते कि मैं मुकम्मल तौर पे रेस्ट में हूं या मुकम्मल तौर पे मोशन में हूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये दोनों एब्सोल्युट क्वांटिटीज नहीं हैं, ये नेबरहुड के मुताबिक होती हैं, सराउंडिंग के मुताबिक होती हैं। सराउंडिंग आपको देखते हुए ऑब्जर्व करेगी, मिसाल के तौर पे मैंने जैसे मिसाल दी, ट्रेन में बैठे दोनों फर्द जो हैं एक दूसरे के लिहाज से या दूसरे पैसेंजर्स के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे तो क्या कहेंगे, हम रेस्ट में हैं। लेकिन वहीं स्टेशन पे खड़ा आदमी जो उस ट्रेन जाती हुई ट्रेन को देखेगा वो कहेगा सारे पैसेंजर्स, बीच में वो दोनों बंदे और बंदा और खतून दोनों ही मोशन कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन मोशन कर रही है, तो वहाँ सराउंडिंग के हिसाब से देखिए कैसे वो शुरू में रेस्ट में अपने आप को महसूस कर रहे थे लेकिन उस सराउंडिंग ने कहा ये तो मोशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब सराउंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, देखने वाला बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसी तरह एक और मिसाल देखिए, टेबल पे एक बुक पड़ी है, वो अपने सराउंडिंग के उस कमरे के लिहाज से, टेबल के लिहाज से, सोफ़ा के लिहाज से, बेडरूम के लिहाज से, बेड के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं करी किताब, तो किताब क्या कहलाएगी, रेस्ट में कहलाएगी। लेकिन सराउंडिंग अगर इस तरह से हो कि किसी और प्लेनेट पे जाके हम देख रहे हो तो क्या होगा, हम देखेंगे क्योंकि अर्थ क्या कर रही, रोटेशन कर रही है अपने एक्सिस के गिर्द, तो हम देखेंगे वो किताब भी उसके साथ ही मोशन कर रही है, तो हम कहेंगे किताब तो रेस्ट में नहीं है। अब हमारा देखने का प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया, व्यू पॉइंट चेंज हो गया, सराउंडिंग अब क्या है, सराउंडिंग अब उसे दूर से देख रही है, उसके एतबार से अब मोशन में आ गए। इसका मतलब हम एट अ टाइम रेस्ट में भी हैं और मोशन में भी हैं। मेरे इर्द गिर्द की चीज़ें जब मुझे देखेंगी वो कहेंगी मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन दूर दराज किसी जहाज में या किसी स्पेसशिप में या किसी और प्लेनेट पे बैठा बंदा देखेगा ये तो मोशन कर रहा है क्योंकि मैं अर्थ पे खड़ा हूँ और अर्थ जब रोटेट करेगी तो मैं भी उसी के साथ घूम रहा हूँ, सो मैं मोशन में भी हूँ। सो ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है, याद रखिएगा ये रिलेटिव क्वांटिटीज हैं, एक दूसरे के लिहाज से हैं। अगर मैं इन चीज़ों के लिहाज से रेस्ट में हूँ तो किसी और चीज़ के लिहाज से मोशन में हूँ, अगर कोई चीज़ मेरे लिहाज से मोशन कर रही है क्या पता किसी और के लिहाज से रेस्ट में हो। सो मोशन की डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ डज नॉट है, वहाँ यहाँ जस्ट डज लगा देना है। अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन, अ बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट था, इफ डज नॉट चेंज, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज सराउंडिंग के लिहाज से ना करे, लेकिन अगर वो सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज करे तो मोशन में, अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन इफ इट डज चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर वो अपने इर्द गिर्द के गिर्दोपेश के लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से, ऑब्जर्वर्स के लिहाज से जो पास हैं उसके, अगर वो अपनी जगह तब्दील कर रही है, पहले यहाँ थी यहाँ से चल के यहाँ चली गई, तो क्या होगा, उसने पोजीशन चेंज कर ली, जगह तब्दील कर ली, तो इसका मतलब वो मोशन में है। लेकिन सराउंडिंग्स आप जानते हैं, मैंने इसकी मिसालें बहुत सी दी, इसी तरह से आप ट्रेन की बजाय बस की मिसाल दे सकते हैं, बस में बैठे दो पैसेंजर्स एक दूसरे के लिहाज से 6, 5, 4, 3 घंटों से इकट्ठे बैठे हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, वो कहेंगे हम रेस्ट में हैं, लेकिन बाहर खड़ा स्टॉप पे खड़ा बंदा जब उसके सामने से गाड़ी गुजर के जाएगी वो कहेगा गाड़ी मूव करके गई है तो उसमें बैठे मुसाफिर भी मूव करके गए हैं। इसका मतलब उसके लिहाज से आप मोशन में हैं लेकिन अंदर बैठे सवारियों और अपने एक दूसरे के लिहाज से आप रेस्ट में हैं। वह रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। सो ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ नहीं हैं, ये देखने वाले पे डिपेंड करता है, ये सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर्स पे डिपेंड करता है, नेबरहुड पे डिपेंड करता है। ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस किया।
काइनेमेटिक्स को स्टडी किया और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हमने देखी, किताब जो टेबल पे पड़ी है, चेयर जो कमरे में पड़ी है, हम जो कमरे में खड़े हैं, गाड़ी में बैठे मुसाफिर हैं, ट्रेन में सफ़र करते मुसाफिर हैं, ये सारी मिसालें रेस्ट और मोशन की हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने गिर्दो पेश के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं करेगा, गिर्दो पेश इस गिर्द की चीज़ें, तो वो रेस्ट में है। लेकिन जैसे अभी मैं इन चीज़ों के लिहाज से रेस्ट में हूँ, लेकिन यही मैं मुझे कौन देख रहा हो स्पेसशिप में, तो मैं मोशन में हूँ। इसका मतलब मैं रेस्ट में भी हो सकता हूँ और मोशन में भी हो सकता हूँ। इसी तरह से अगर कोई चीज़ अपने गिर्दो पेश के लिहाज से जगह तब्दील करती हुई आपको दिखाई दे, तो हम कहेंगे वो मोशन में है, मोशन कर रही है। तो ये दोनों डेफिनेशंस थी। तो बच्चों याद रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्स के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एग्जाम्पल्स भी साथ देनी है आपने। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।